इस चमडास डीपेन थ्रोम्बोस थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बस मतलब क्या हमें ये पता होना चाहिए थ्रोम्बस मतलब एक टाइप का ब्लड क्लॉट होता है एक ब्लड मास होता है जो फॉर्म होता है वेंस में थ्रोम्बस क्या है ये इन डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है थ्रोम्बोसिस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप पहले वो देख लीजिए फिर यहाँ पर आइए ये जो थ्रोम्बस है जब डीप वेंस में बन जाता है लेग्स की डीप वेंस में जब ये थ्रोम्बस बन जाता है तब हम इसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस थ्रोमस इन द डीप वेन्स ऑफ द लेग इज नोन एज डीप वेन्ड थ्रोम्बोसिस नाम में ही सब कुछ है अब इसकी इटियोपैथोजेस इट इज इनिशियटेड बाई ट्रायड ऑफ चेंजेस एंडोथेलियल डैमेज

फैक्टर है वो सेम है पहला तो एंडोथेलियल डैमेज है फिर एंडोथेलियल डैमेज से थ्रोम्बोसिस कैसे फॉर्म होगा ये आपको इन डिटेल वो वीडियो में दिखाई देगा सो so, एक बार वो वीडियो देखकर आइए ताकि आपको आगे के पॉइंट समझ में आए अब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब रिस्क फैक्टर जो कि कॉज कर सकते हैं आगे जाके डीप वेन थ्रोम्बोसिस फर्स्ट इज द कार्डियक फेलियर मैलिग्नेंसी व्हिच इज ऑफ एनी काइंड कंटेनिंग कंपाउंड जब आ, कोई ईस्ट्रोजन थेरेपी पर होता है बहुत लंबे समय के लिए तब हमें उसमें डिप्रोमोसिस दिखाई दे सकता है पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टम स्टेट पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट में एज अ कॉम्प्लिकेशन हमें डिप्रोमोसिस दिखाई देगा अब इसके मोर्फोलॉजिक फीचर्स ग्रोसली ग्रोसली जब हम देखेंगे तो जो अफेक्टेड वेन है वो हमें नॉर्मल भी दिखाई दे सकती है या फिर वो डिस्टेंडेड हो सकती है एंड फॉर्म उसमें हमें थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देगी अक्लोजर थ्रोम्बस में भी प्रेजेंट जो थ्रोम्बस है अक्लोजर थ्रोम्बस जिसने वहां पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज किया है जिसके वजह से वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा इसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हमें दिखाई देगी जिकली थ्रोम्बस इंड्यूस reparative रिपेरेटिव रिस्पॉन्स का वीडियो देख लीजिए वो क्यों inflammatory, uh, reparative response कैसे इंड्यूस करता है ये में दिखाई देगा अब इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स क्या है लोकल इफेक्ट्स हमें दिखाई देंगे जिसमें आएगा इडिमा ड्यू टू डिजिटल ऑक्लूजन हीट स्वेलिंग टेंडरनेस रेडनेस एंड पेन एडिमा क्यों होगा क्योंकि वहाँ पर थ्रोम्बस आ गया है उसने वो जो एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो वहाँ पर स्टॉप कर दिया है क्लॉट कर दिया है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए था वो नहीं होगा वहाँ पर हीट होगी स्वेलिंग होगी टेंडरनेस दिखाई देगी पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उससे पेन भी है वहाँ पर हमें रेडनेस भी दिखाई देगी वो वो पर्टिकुलर एरिया में अब सिस्टमिक इफेक्ट इसका सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा पहले तो है एम्बोलिक फेनोमेना एम्बोलिज्म में टर्न हो सकता है ये थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हमें दिखाई दे सकता है इस केस में अब इसके क्लिनिकल वेरिएंस पहला है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस माइग्रेन आप नाम ठीक से पढ़िए थर्मोफ्लबाइटिसम्बोफिस में क्या होता है मल्टीपल बहुत सारे विनस थ्राम्बा होते हैं और वो क्या करते हैं डिसअपियर होते हैं और दूसरी जगह पर जाते हैं वो अगर यहाँ पर है तो वो डिसअपियर हो गए एक की जगह डिसअपियर हो गए वो बी के तरफ जाएंगे Migrants, मतलब वो मूव कर रहे एक साइड से दूसरे साइड पर फ्लेग्मेशिया एल्बा डोलेंस का मीनिंग क्या होता है पेनफुल व्हाइट लेग पेनफुल व्हाइट लेग ये हमें मेनली प्रेगनेंसी में दिखाई देता है क्योंकि प्रेग्नेंसी में क्या हो जाता है बहुत वेट गेन कर लेती है प्रेग्नेंट वुमन और तब हमें उसमें दिखाई देता है यहाँ पर क्या होती है बहुत स्वेलिंग हो जाती है लेग्स की एंड इट अर्क मोस्टली इन वुमेन ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी लेट प्रेगनेंसी में हमें दिखाई दी गई तो जब भी प्रेग्नेंट लेडी अपने डेली रूटीन चेकअप के लिए आती है तब तो हमें इसे कट ऑफ करना पड़ता है फ्लेग्मेशिया एल्बर डोलेंस को फ्लेगमेश्लेगमेशिया सेरुले डोलनस इसका मतलब है प्लेनफुल ब्लू लेग सिंपल है, मतलब है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सुपीरियर वेनाका क्यू होता है क्योंकि जो थ्रोम्बस है वो मूव करके जा चुका है सुपीरियर वेनाकवा में और वहां पर उसने कर दी है ऑब्स्ट्रक्शन द ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट मोस्ट ऑफन फ्रॉम थ्रोम्बोसिस ये जो थ्रोम्बोसिस था वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा इन्फीरियर वेनाकेवा सिंड्रोम में क्या होता है इन्फीरियर वेनाका का ऑब्स्ट्रक्शन होता है मोस्ट ऑफन ऑब्स्ट्रक्शन रिजल्ट फ्रॉम थ्रोम्बोसिस बाय एक्सटेंशन फ्रॉम द इलियोफिमोरल वेन्स इलियोफिमोरल वेन्स से ये जो है थ्रोम्बस ये मूव करेगा ऊपर की साइड पे और इन्फीरियर वेनाका का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा एक क्विक रिविजन आज हमने देखा डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये बहुत ही छोटा टॉपिक है ए फाइव मार्क्स क्वेश्चन आता है मेनली एग्जाम में और इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी हमें इसकी इटियोपैथोलो इटियोपैथोजिनेस लिखनी पड़ेगी ये क्यों है इसकी ये जो थीम ट्रायल्स है जिसमें पहला है एंडोथेलियल इंजरी अल्टरनेशन ऑफ ब्लड फ्लो एंड द नेक्स्ट वन इज द था फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके लोकल इफेक्ट्स क्या है सिस्टमिक uh, इफेक्ट्स क्या है फिर इसके क्लिनिकल वेरियंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगेगा कि ये पार्ट नहीं है डिफेंट थ्रामोस का नहीं आपको ये भी इसमें जो क्लिनिकल वेरियंट्स है वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे सो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो समझ में आई अगर कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए मेरे टीचिंग में तो मुझे वो भी सजेस्ट जरूर कर सकते हैं एंड प्लीज ड्यू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेट को थैंक यू